विदिशा जिला पंचायत सदस्यता पद हेतु वार्ड क्रमांक 4 गुलाबगंज क्षेत्र से ममता राकेश काठरे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ममता राकेश कटारे फॉर्म भरने की रैली के साथ आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और सभी ने एकजुट होकर विदिशा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ममता राकेश कटारे ने जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र भरा। हमने मेरा और मेरी श्रीमती का वार्ड नंबर 4 से आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। चूँकि वार्ड नंबर 4 जो है मेरी कर्मभूमि है, लगातार 35 साल से वहाँ मैं सेवारत हूँ पंचायती राज के माध्यम से। 88 में सबसे पहले मैं सरपंच बना था और लगातार आज तक मैं पंचायती राज में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। और जितनी भी प्रशासन की भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार शासन की जो भी जनकल्याणकारी योजनाएँ गरीबों के हित की हों, चाहे हमारे ज़रूरतमंदों के हित की हों, चाहे किसान भाइयों के हित की हों, चाहे बेरोजगारों के हित की हों, उनका सबका प्रचार प्रसार करना और उन लोगों को, वाजिब लोगों को, सही लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना, ये हमारा परम कर्तव्य रहा है। तो यही हमारी जनसेवा है। इसके पहले आप ग्यारहपुर जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किया, जनता के लिए बड़ी सौगात है, कुछ बताए। सौगातों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौगातें चूँकि बहुत बड़ी सौगातें तो नहीं हुआ करती, लेकिन 10-20 लाख रुपए के काम के कुछ काम हुआ करते हैं। जनपद अध्यक्ष के रूप में हमने एक नहीं सैकड़ों ऐसे दर्जनों गांव में ऐसे कई काम कराए हैं जिनसे निश्चित तौर पर जनता को लाभ मिलेगा और कुछ मिल रहा है, कुछ कार्य निर्माणाधीन है, चल रहा है।